हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। आज हम यहाँ पे इनसाइड का जो मंथली मैगजीन है सितंबर मंथ का 2020 का इंस्टा करंट अफेयर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे टेबल्स ऑफ कंटेंट में बहुत सारे टॉपिक कंटेंट्स दिए हैं। यहाँ पे जनरल जीएस स्टडी 1 से लेकर जीएस 2 है, जीएस 3 है, जीएस 4 है। सो ये सारे टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे वन बाय वन। बट आज के वीडियो में मैं यहाँ पे जो फैक्ट्स फॉर प्रीलिम होते हैं वो डिस्कस करेंगे, फैक्ट्स फॉर प्रीलिम। सो ये यहाँ पे इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। ये 1 से लेकर 100 तक यहाँ पे टॉपिक दिए, ये आपके अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो फैक्ट फॉर प्रीलिम में हमारा फर्स्ट टॉपिक है बाल्टिक नेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे पूछा है बाल्टिक नेशन, ये अक्सर न्यूज़ में रहता है। सो इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है? इस्टोनिया आती है, लातविया आती है, लिथुनिया आती है। इसके कैपिटल के बारे में आपको पता होना चाहिए। समटाइम्स नॉर्थ से साउथ तक आपको पूछा जा सकता है। इस्टोनिया की है तालिन है, लातविया की रीगा है, लिथुनिया की यहाँ पे लिथुनिया की कैपिटल है विल्नियस। सो ये ध्यान में रखना। समटाइम्स यहाँ से जो रिवर्स वगैरह जो बहती है, अभी क्वेश्चन आया था यूपीएससी प्रीलिम्स में, सो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से स्टेट है, जैसे आइबेरियन स्टेट है, यहाँ पे गल्फ ऑफ रीगा है, यहाँ पे गल्फ ऑफ फिनलैंड है, बाल्टिक सी है, ऐसे वाटर बॉडीज आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी बॉर्डर कंट्रीज यहाँ पे टच करती है? रशिया है, बेलारूस है, यहाँ पे भी रशिया टच करता है ना। कौन कौन से लेक है? यहाँ पे लेक पेपी पाइपस है, लेक पिको लेक। सो विजिबल नहीं हो रहा, आप मैप में देख सकते हो, ठीक है। और जो यहाँ पे जो ये तीन कंट्री है बाल्टिक कंट्री, ये किसकी मेंबर्स है? यहाँ पे यूरोपियन यूनियन की है, नाटो की है, यूरो जोन की है, ओईसीडी की है। और ये तीनों कंट्री जो है हाई इनकम इकोनॉमीज़ हैं बाय द वर्ल्ड बैंक, एंड मेंटेन की जाती है वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन कंट्री में। सो ये इंपॉर्टेंट है। हमास के बारे में अक्सर न्यूज़ में रहता है। हमास क्या है? एक पैलेस्टाइन इको इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक मिलिटेंट ग्रुप है। जब इसराइल का वार हुआ था उसके बाद यहाँ पे ये बना था, 1987 में इसका फाउंड हुआ था। और यहाँ पे मोस्टली सुसाइड बॉम्बिंग एंड रॉकेट अटैक से मतलब ये लेस होता है। ये सी मतलब रिप्लेस किया था इसने पैलेस्टाइन स्टेट को, और ये गवर्न करता है गाजा को मतलब इंडिपेंडेंटली ऑफ द पैलेस्टाइन अथॉरिटी। सो वेस्ट एशिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो भी रीजन मतलब न्यूज़ में रहते हैं, जो भी जो एथनिक ग्रुप्स हैं या फिर टेररिस्ट ग्रुप्स हैं या फिर जो प्लेसेस वगैरह हैं, उससे क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली। प्लेसेस इज न्यूज़ में, फिर से यहाँ पे क्रेटे आइलैंड न्यूज़ में, ये लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस ऑफ द ग्रीक आइलैंड है। और ये क्रेटे ग्रीस का पार्ट है, दिसंबर 1930 से लोकेट है सदर्न पार्ट ऑफ द एजेंसी के सदर्न पार्ट में है। सेपरेट करता है एजेंसी फ्रॉम द लाइबियन सी, नीचे लाइबियन सी है। सो आप देख सकते हो ये सी ऑफ क्रेटे, इसके पास में ये सी ऑफ क्रेटे आइलैंड, सो मेडिटेरियन सी में है। क्वेश्चन अवर ये अभी अक्सर न्यूज़ में रहता है, क्योंकि जो पार्लियामेंट में जो भी डिस्कशन वगैरह होते हैं, जो भी मतलब क्वेश्चन अवर है, जीरो अवर है, ये अक्सर न्यूज़ में रहते हैं। सो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट अवर ऑफ द एवरी पार्लियामेंट की जो सिटिंग होती है उसको क्वेश्चन अवर बोलते हैं। ये मेंशन किया है रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द हाउस में, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आपको पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन अवर किस में मतलब मेंशन किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है, ऐसा पूछा जा सकता है, बट नहीं, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द हाउस इसमें मतलब ये मेंशन किया है। ड्यूरिंग द टाइम मेंबर्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे जवाब दिया जाता है। क्वेश्चन अवर ये दोनों ही हाउस में होता है, हेल्ड इन ऑल द डेज ऑफ द सेशन, बट यहाँ पे 2 डेज नहीं होता है, एक्सेप्शन दिया है। वो 2 दिन कौन से होते हैं? यहाँ पे जब प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं एमपीज को बोथ द हाउस इन द सेंट्रल हॉल। और क्वेश्चन अवर ये स्केड्यूल नहीं किया जाता है, जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट के दिन यहाँ पे स्पीच देते हैं, बजट के दिन प्रेजेंट करते हैं अपना बजट जो भी है। अभी न्यूज़ में था क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से क्वेश्चन अवर ड्रॉप कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे प्लेसेस इन न्यूज़ में चुशूल है, ये विलेज है इन लेह लद्दाख इंडिया, लोकेटेड दुर्बुक तहसील इन द एरिया ऑफ, इसे चुशूल वैली भी बोलते हैं। और ये क्लोज है रिजांग लद्दाख लैंड, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, एंड पेंगोंग लेक एट द हाइट ऑफ 4,360 मीटर। चुशूल एक वन ऑफ द 5 मेंबर्स ऑफिशियल एग्रीड है बॉर्डर है, पर्सनल मीटिंग पॉइंट बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ द चाइना। रेगुलर कंसल्टेशन किया जाता है, इंटरेक्शन किया जाता है बिटवीन द 2 आर्मीज टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप। ये एक फेमस इंडियन आर्मी की मतलब यहाँ पे जगह है, लास्ट मैन लास्ट राउंड एट द रिजंग ला चुशूल 1962 को। विदाउट दिस क्रूशियल विक्ट्री टेरिटरी माइट हैव बीन कैप्चर्ड बाय द चाइना।
सो आप ये मैप देख सकते हो एक बार पॉज करके। एक काराकोरम रेंज है अक्साई चीन है, मतलब चाइना से इलीगली ऑक्यूपाइड किया गया है बाय द आफ्टर 1962 आर के बाद में। और लद्दाख है, ये पोंगोंग लेक चुशुल, और ये आपको प्लेसेस पता होने चाहिए, दौलत बेग, ओल्डी रोड, गलवान वैली जहाँ पे अभी डिस्प्यूट चल रहा था हमारा इंडिया एंड चाइना के बीच में। सो इसके बाद यहाँ पे थ्री मोर ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द जम्मू एंड कश्मीर, और तीन लैंग्वेजेस को यहाँ पे मतलब अप्रूव किया है, बिल इंक्लूड किया है कश्मीरी, डोंगरी एंड हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात हो रही है, नेशनल लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है। नेशनल लैंग्वेज हमारी इंडिया में भी नहीं है, और सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे इंडिया में भी हिंदी एंड इंग्लिश। उसके बाद में यहाँ पे अभी सबसे उसके पहले यहाँ पे इंग्लिश और उर्दू थी ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू कश्मीर में, अब फाइव लैंग्वेज हो जाएंगी ऑफिशियल, कश्मीरी, डोंगरी, हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, ध्यान में रखना। उसके बाद में यहाँ पे मुंद्रा पोर्ट एक के अभी न्यूज़ में था, लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है इंडिया, इंडिया का लोकेटेड है नॉर्थ शोर ऑफ द गल्फ ऑफ कच्छ। सो यहाँ पे देखना मुंद्रा पोर्ट कहाँ पे, कांडला पोर्ट कहाँ पे, लोकेशन थोड़ा आपको पता होना चाहिए, समटाइम्स न्यूज़ में रहती है। उसके बाद में AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट, ये क्या है मैनेजमेंट गेम्स, ये ऑनलाइन बिजनेस सिमुलेशन गेम है, कंडक्ट किया जाता है एवरी ईयर, इसका एम ए इंश्योर करता है ये पार्टिसिपेटिंग एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द वेरियस इंडस्ट्री गेट इंट्रोडक्शन इन टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, और गेन करता है एक्सपर्टाइज एंड स्किल फ्रॉम दिस इवेंट। और ये नेशनल मैनेजमेंट गेम्स एक वन ऑफ इट्स काइंड प्लेटफॉर्म है फॉर द कॉर्पोरेट मैनेजर्स टू फेस द थ्रिल्स मैनेजिंग बिजनेस इन कॉम्पिटिटिव मोड, और ये वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एंड रेपुटेबल एनुअल इवेंट्स है बेस्ड ऑन द बिजनेस मैनेजमेंट सोल्यूशन सिमुलेशन, कंडक्ट किया जाता है बाय द AIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा। और यहाँ पे पार्टिसिपेंट होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रनिंग अ कंपनी बाय फोकसिंग ऑन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केट ट्रेंड, कॉस्ट एनालिसिस, प्रोडक्ट पोजीशन, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इन्वेंटरी कंट्रोल। और NTPC इमर्ज हुआ है यहाँ से विनर इन दिस एडिशन, सो ध्यान में रखना। इंद्र नेवी, ये रशिया एंड इंडियन नेवी एंड रशियन नेवी के बीच में होता है इंद्रा एक्सरसाइज, 11th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज, यहाँ पे इनिशिएट किया गया था 2003 में एक्सरसाइज इंद्रा नेवी, और ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप करता है बिटवीन द टू नेवीज। उसके बाद में यहाँ पे यनोमनी पीपल एंड ब्लड गोल्ड, ये अभी न्यूज़ में था। यनोमनी ये कहाँ पे रहते हैं, इन द रेन फॉरेस्ट एंड माउंटेन ऑफ द नॉर्दर्न ब्राज़ील एंड सदर्न वेनेजुएला में रहते हैं ये यनोमामी पीपल एंड ब्लड गोल्ड, ध्यान में रखना। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सर्वाइवल इंटरनेशनल के तहत यहाँ पे लार्जेस्ट रिलेटिवली आइसोलेटेड ट्राइब है साउथ अमेरिका में, और ये कहाँ पे रहते हैं, इन लार्ज सर्कुलर हाउस जिसे यनोज एंड शेबनोज बोलते हैं, सम ऑफ विच कैन होल्ड 400 पीपल, जहाँ पे 400 लोग रहते हैं। और यनोमामी कस्टम्स, ये हंटरर है एंड और ईट नहीं करते हैं मीट जो मतलब किल किया जाता है इनके द्वारा। यनोमामी कंसिडर ऑल पीपल टू बी इक्वल, ऐसा माना जाता है इनके मतलब सभी लोग इक्वल हैं, और यहाँ पे चोरी नहीं की जाती, डू नॉट हैव चीफ, मतलब यहाँ पे चीफ नहीं होता है, मतलब कोई हेड नहीं होता है। इंस्टेड ऑफ ऑल डिसीजन आर बेस्ड ऑन द कंसेंसस आफ्टर द लॉन्ग डिस्कशन एंड डिबेट। सो अभी न्यूज़ में थे क्योंकि सिंस 1980s से यहाँ पे ये यनोमामी यहाँ पे फेस कर रहे हैं ऑनस्लॉट फ्रॉम द इलीगल गोल्ड माइनर, और बिलीव किया जाता है गोल्ड माइन इलीगली इन द यनोमामी लैंड में इलीगल माना जाता है, मोस्ट लाइकली बिन कमिंग टू द इंडियन लास्ट एटलीस्ट 2018। और यहाँ पे जो गोल्ड माइन है जिसे ब्लड गोल्ड भी बोला जाता है, ये रिसेंटली अभी इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्टॉप किया है बाइंग दिस गोल्ड, ठीक है। सेक्शन 144(2) ऑफ द रेलवे एक्ट 1989 अभी न्यूज़ में था, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने यहाँ पे प्रपोज किया डिसक्रिमिनलाइजेशन बेगिंग ऑन द ट्रेन्स और रेलवे प्रीमाइसेस। सो फाइन वगैरह होगा यहाँ पे 2000 और 1 साल की जेल होंगी, ऐसा यहाँ पे प्रावधान रखा है अगर भीख अगर मांगते हैं ट्रेन्स एंड रेलवे प्रीमाइसिस के आसपास। उसके बाद में राष्ट्रीय पोषण माह, ये अभी थर्ड राष्ट्रीय पोषण माह यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द सितंबर 2020, और एवरी ईयर यहाँ पे जो पोषण माह सेलिब्रेट किया जाता है अंडर द पोषण अभियान लॉन्च किया था 2018 में। और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने यहाँ पे एक नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री है फॉर द पोषण अभियान, और ये सेलिब्रेट करती है पोषण माह इन कन्वर्जेंस विद द पार्टनर मिनिस्ट्री
एंड डिपार्टमेंट एट द नेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड ग्रास रूट लेवल। ऑब्जेक्टिव क्या है पोषण माह का, इंकरेज करता है जन भागीदारी इन ऑर्डर टू क्रिएट द जन आंदोलन फॉर द एड्रेसिंग द मल न्यूट्रिशन अमंगस्ट यंग चिल्ड्रन एंड वुमेन एंड टू इंश्योर द हेल्थ न्यूट्रिशन फॉर द एवरी वन। फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे फॉर द क्लीन एयर ब्लू स्काइज। यहाँ पे अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पे 19 दिसंबर 2019 को मतलब एडॉप्ट किया रेजोल्यूशन टू ऑब्जर्व द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर द ब्लू स्काइज ऑन 7 सितंबर एवरी ईयर, जो स्टार्ट हुआ था 2020 से। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन CCAC यहाँ पे काम करता है UNEP के साथ में एंड द रिपब्लिक ऑफ द कोरिया टू एडवोकेट फॉर द डे इन लीड अप टू द डिसीजन। सो ध्यान में रखना डे फॉर ऑफ क्लीन एयर फॉर द ब्लू स्काइज। ये इसका एम क्या है, रेस करना पब्लिक अवेयरनेस एट ऑल लेवल्स इंडिविजुअल कम्युनिटी कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट। ये क्लीन एयर एक इम्पोर्टेंट है फॉर द हेल्थ प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी एंड द एनवायरनमेंट के लिए। और यहाँ पे इसके बाद में टॉपिक है वो टेक्स कॉल ऑन द सेंट्रल सिक्योरिटी कवर टू प्राइवेट इंडिविजुअल इंडिया। अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पे कुछ इनपुट्स दिए हैं इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए। यहाँ पे 6 काइंड ऑफ सेंट्रल सिक्योरिटी कवर की जाएंगी XY, Y+, Z+ एंड SPG। और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप प्रोटेक्ट किया जाएगा ओनली प्राइम मिनिस्टर के लिए, SPG सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए होंगी। अदर कैटेगरीज प्रोवाइड की जाएंगी टू एनीवन बेस्ड ऑन द सेंट्रल एक्सेसमेंट के लिए। कंगना रनावत को यहाँ पे Y+ सिक्योरिटी दी गई थी, अभी न्यूज़ में था जब वो मुंबई आई थी। उसके बाद में यहाँ पे इंदिरा गांधी प्राइस फॉर द पीस अभी न्यूज़ में था। डिसआर्मामेंट डेवलपमेंट अभी इंस्टीट्यूट किया गया इन द मेमोरी ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बाय द ट्रस्ट इन टर्म्स इन हर नेम 1986 को किया गया था। और ये कंसिस्ट करता है मॉनेटरी अवार्ड 25 लाख अलॉन्ग विद द साइटेशन। एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पे दी जाती है टू द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जाता है जो काम करते हैं इंश्योर करते हैं इंटरनेशनल पीस एंड डेवलपमेंट और इंश्योर करता है साइंटिफिक डिस्कवरीज टू फर्दर यहाँ पे स्कोप है स्कोप ऑफ फ्रीडम एंड बेटर ह्यूमैनिटी। और जो क्रिएट करता है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर अभी न्यूज़ में था क्योंकि नोटेड ब्रॉडकास्टर सर डेविड एटनबर्ग को यहाँ पे प्रेजेंट किया था दिया गया था इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019 का। ऑगस्ट रेन मतलब ये सेकंड हाईएस्ट हुई यहाँ पे 1926 के बाद में। सो ये IMD का यहाँ पे था, सो ये ध्यान में रखना। उसके बाद में गुरुप्रिया ब्रिज इनाग्रेट किया गया 2018 में और कंस्ट्रक्ट किया गया था अक्रॉस द गुरुप्रिया रिवर इन द ओडिशा। और ये कनेक्ट करता है 151 विलेज बेलीमेला रिजर्वायर अंडर द चित्रकोंडा ब्लॉक टू द मेनलैंड इन द मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। सो ये गुरुप्रिया ब्रिज ध्यान में रखना, ओडिशा का मोस्ट हॉटबेड स्वाभिमान जो आंचल है वहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी भी दी गई। और पत्रिका गेट इन जयपुर ये भी ध्यान में रखना, आइकॉनिक गेट है बिल्ड किया गया था बाय द पत्रिका ग्रुप ऑफ द न्यूज़पेपर है। और ये बिल्ड किया गया एज अ मोनूमेंट अंडर द मिशन अनुपम ऑफ द जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एट द जवाहरलाल नेहरू मार्ग। डिपिक्ट किया गया है कल्चर एंड आर्टिस्टिक हेरिटेज ऑफ द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द राजस्थान। सो ये देख सकते हो आप पत्रिका गेट इन जयपुर। इंटरनेशनल लिटरेसी डे ये अभी न्यूज़ में था क्योंकि ये सेलिब्रेट किया गया 8 सितंबर को एवरी ईयर किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनल लिटरेसी डे। और ये स्टार्ट किया गया था फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन ऑन इरेडिकेशन ऑफ लिटरेसी जब तेहरान में मिले थे 1965 में सितंबर 1965 में। यूनेस्को ने यहाँ पे 14th सेशन जो हुआ है ऑफ इट्स जनरल कॉन्फ्रेंस जो पेरिस में हुआ था नवंबर 1966 में यहाँ पे फॉर्मली यहाँ पे प्रोक्लेम किया था 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे। सो थीम क्या है इस बार का, लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन COVID-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। सो ये भी ध्यान में रखना। NOSO के बारे में ध्यान में रखना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ये रिलीज़ करता है डाटा फॉर द 2017-18 ऑन द स्टेट वाइज लिटरेसी रेट इन द कंट्री अभी रिलीज़ किया गया जिनका ऑल एज जो 7 साल से अबो है एज़ पर द NOSO की रिपोर्ट यहाँ पे दी गई है। इंडिया का एवरेज लिटरेसी रेट 77.7% है। सो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप कोट कर सकते हो मेंस के लिए। आंध्र प्रदेश की लिटरेसी रेट यहाँ पे वर्स्ट है अमंग ऑल द स्टेट 66.4 है एंड
इन इंडिया में सिग्निफिकेंटली लोअर है दैन द बिहार, 17.9 है बिहार की। केरला की बेस्ट लिटरेसी रेट है 96.2%, दिल्ली स्टूड सेकंड 88.7% है। और मोर इम्प्रेसिवली यहाँ पे जो गैप है बिटवीन द मेल एंड फीमेल लिटरेसी स्मॉलेस्ट है केरला में, 2.2 है परसेंट पॉइंट। और जो गैप है 14.4% एट ऑल इंडिया लेवल विद द मेल लिटरेसी 84.7% है एंड फीमेल की लिटरेसी रेट कितनी है 70.3%। जो गैप है बिटवीन द अर्बन एंड रूरल लिटरेसी का यहाँ पे सेम ऑर्डर है ऑफ द मैग्नीट्यूड एज दैट बिटवीन द मेल्स एंड फीमेल। वंस अगेन केरला हैज़ द लोवेस्ट गैप 1.9% पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। सो ये फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट है, पता होने चाहिए बहुत प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए। अब रियल मैंगो अभी न्यूज़ में क्यों था, अभी एक इलीगल सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया फॉर कॉर्नरिंग द कन्फर्म रेलवे रिजर्वेशन के लिए। एक कॉमनली बैन है सॉफ्टवेयर जो कंप्लीट करता है प्रोसेस ऑफ द इंडियन रेल टिकट बुकिंग एट द फ्लाई स्पीड। अभी न्यूज़ में था क्योंकि नेशन वाइड इन्वेस्टिगेशन किया गया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा, जो डिस्टर्ब करता है ऑपरेशन ऑफ दिस इलीगल सॉफ्टवेयर को। और अब इसके बाद में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB अभी न्यूज़ में था, ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1986 में अंडर द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के तहत। ये एपेक्स है कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत, और ये नेशनल पॉलिसी एंड नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस ये बेस्ड है ऑन आर्टिकल 47 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये डायरेक्ट करता है स्टेट टू एंडीवर टू ब्रिंग अबाउट द प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर द मेडिकल पर्पज़ के लिए ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग इंजूरियस टू द हेल्थ। जो ड्रग अब्यूज कंट्रोल ए रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, सो ध्यान में रखना। हॉनररी कौंसिल अभी न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि मलिंगम यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं हॉनररी कौंसिल ऑफ द ग्रैंड ड्यूची ऑफ द लग्जमबर्ग इन चेन्नई। सो ये कौंसिलर जिक्शन ओवर द तमिलनाडु एंड केरला। हॉनररी कौंसिल क्या है, एक प्राइवेट इंडिविजुअल है वो टेक केयर करते हैं ऑफ देयर टास्क ऑन पार्ट टाइम बेसिस विदाउट रिमुनरेशन। हॉनररी कौंसिल ये एक्सेप्ट नहीं करता है पासपोर्ट अप्लीकेशन नॉर डू दे हैंडल मैटर पर्टेनिंग टू वीज़ास और रेसिडेंस परमिट। हॉनररी कौंसिल यहाँ पे सर नहीं किए जाते हैं एज अटॉर्नी इन जुडिशियल प्रोसीडिंग और लीगल एडवाइजर करके। और जो टुगेदर यहाँ पे डिप्लोमेटिक मिशन है हॉनररी कौंसिल प्रमोट करता है इकोनॉमिक एंड कल्चर रिलेशनशिप को। सो एक ध्यान में रखना ये इंपॉर्टेंट जो टर्म है हॉनररी कौंसिल, इंफोग्राफिक में यहाँ पे दिया है जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है, समटाइम्स इन न्यूज़ में था अभी। उसके बाद में यहाँ पे साउथ इंडिया फर्स्ट एंड कंट्री सेकंड किसान ट्रेन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका लोकेशन क्या है, रन करती है, मतलब ये बिटवीन अनंतपुर आंध्र प्रदेश से लेकर दिल्ली तक ये दौड़ती है, और इनॉग्रल किया गया है अभी यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देवलाली से दानपुर किसान रेल, और 7 अगस्त को यहाँ पे फर्स्ट किसान रेल यहाँ पे फ्लैग की थी बिटवीन देवलाली इन द महाराष्ट्र एंड दानपुर इन बिहार। सो ये फर्स्ट है, और अभी यहाँ पे साउथ इंडिया की किन के बीच में, अनंतपुर आंध्र प्रदेश एंड न्यू दिल्ली के बीच में है। सो फर्स्ट भी आपको पता होनी चाहिए एंड सेकंड भी आपको पता होनी चाहिए किसान रेल के बारे में, ठीक है। शिक्षक पर्व इनिशिएटिव ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ऑर्गेनाइज किया था अभी वेबिनार ऑन इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन अंडर द शिक्षक पर्व इनिशिएटिव। ये सेलिब्रेट किया जाता है 8 सितंबर से लेकर 25 सितंबर 2020 को अभी किया गया, टू फेलिसिट द टीचर एंड टू टेक द न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉरवर्ड। जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की, उसको मतलब आगे बढ़ाने के लिए। जिज्ञासा ये स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम है, लॉन्च किया गया 2017 में। इस प्रोग्राम को अभी इंप्लीमेंट किया जाएगा CSIR द्वारा, काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इन कोलेबोरेशन विद द केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS के बीच में। और फोकस क्या है इस स्कीम का, कनेक्ट करेगा स्कूल स्टूडेंट्स को साइंटिस्ट के साथ, सो एज टू एक्सटेंड स्टूडेंट क्लासरूम लर्निंग विथ वेल प्लान रिसर्च लेबोरेटरी बेस्ड लर्निंग यहाँ पे होंगे। रफाल बहुत न्यूज़ में था अभी, रफाल के बारे में आपको पता होना चाहिए। 17 स्कैड्रॉन जिसे गोल्डन एरोज भी बोला जाता है, फर्स्ट 5 इंडियन एयरक्राफ्ट एयरफोर्स रफाल यहाँ पे अभी आया था एयरफोर्स फोर्स स्टेशन अम्बाला में। सो रफाल के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत सारी न्यूज़ यहाँ पे होती है। इंडिया 4th कंट्री है अभी जिसके पास रफाल है, इससे पहले फ्रांस इजिप्ट एंड कतर के पास था ये, ठीक है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी नहीं यहाँ पे। WHO साउथ ईस्ट रीजन यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था, मतलब होस्ट किया गया 73rd सेशन
गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड फ्रॉम द बैंकॉक, जो प्रीवियस सेशन था न्यू दिल्ली में हुआ था। सो ये ध्यान में रखना, WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन एक वन ऑफ द सिक्स रीजन है यहाँ पे, और 11 मेंबर स्टेट है, बांग्लादेश, भूटान, डेमोक्रेटिक पीपल ऑफ द कोरिया, इंडिया, इंडोनेशिया, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड एंड तिमोर लेस्टे। सो कौन कौन मतलब यहाँ पे मेंबर हैं, 11 मेंबर हैं, आपको पता होना चाहिए WHO साउथ ईस्ट एशियन रीजन के, ठीक है। सो ध्यान में रखना, मेंबर्स के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि अभी UPSC प्रीलिम्स में G20 के बारे में पूछा था। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन NSO का लेटेस्ट रिपोर्ट है ऑन एजुकेशन। सो ये अभी 75th राउंड हुआ था, नेशनल सैम्पल सर्वे कंडक्ट किया था बिटवीन जून 17 से लेकर जून 18 के बीच में, हाउस होल्ड सर्वे सैम्पल ऑन कंजम्पशन रिलेटेड टू द एजुकेशन। सो अभी की फाइंडिंग्स यहाँ पे दी गई है, जिसमें से 1 in 5 स्टूडेंट्स इन इंडिया सप्लीमेंट स्कूल एजुकेशन है विद द प्राइवेट कोचिंग, इंक्लूडिंग ऑलमोस्ट 1 in 3 एट द सेकेंडरी स्कूल लेवल और क्लास 9 से लेकर यहाँ पे 10 के बीच में। और यहाँ पे 52% अर्बन जो अपर कास्ट बॉयज़ है कोचिंग लेते हैं, इन कंपैरिजन टू जस्ट 13% जो रूरल बॉयज़ है, एंड गर्ल्स फ्रॉम द स्केड्यूल ट्राइब कम्युनिटी। जो प्राइवेट कोचिंग की फी है ऑलमोस्ट 20% है ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द एजुकेशन इन फॉर दोज इन द सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी। एंड जो स्टेट है इन ईस्टर्न इंडिया यहाँ पे स्पेंड करते हैं ज़्यादा ऑन प्राइवेट कोचिंग देन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। सो ध्यान में रखना, ईस्टर्न इंडिया। उसके बाद में यहाँ पे लेटर ऑफ क्रीडेंस, ये अभी समटाइम्स अभी न्यूज़ में था, ये एक लेटर है ऑफ इंट्रोडक्शन ऑन द रिकमेंडेशन स्पेशली फॉर एन एम्बेसडर। सो ये लेटर ऑफ क्रीडेंस ध्यान में रखना, क्यू न्यूज़ में था, क्योंकि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने एक्सेप्ट किया लेटर ऑफ क्रीडेंस फ्रॉम द सिंगापुर हाई कमिश्नर टू द इंडिया। सो ये एम्बेसडर से रिलेटेड है, ध्यान में रखना। विथ विच कंट्री इंडिया रिसेंटली साइन किया एग्रीमेंट ऑन द रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ द सप्लाईज एंड सर्विसेज। सो इंडिया एंड जापान के साथ में हुआ है। सो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाईज सर्विस बिटवीन द फोर्सेज ऑफ द बोथ द कंट्रीज इंडिया एंड जापान, समटाइम्स प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। उसके बाद में डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज PSB भी लॉन्च हुई है, और एक एज रिफॉर्म से मतलब थोड़ी सुविधा दी जाएंगी। डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करेंगे कन्वीनियंस ऑफ द बैंकिंग सर्विसेज टू द कस्टमर एट देयर डोर स्टेप थ्रू द यूनिवर्सल टच पॉइंट ऑफ द कॉल सेंटर, वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप। कस्टमर्स यहाँ पे ट्रैक किए जाएंगे देयर सर्विसेज रिक्वेस्ट थ्रू द दिस चैनल, यहाँ पे जो रेंडर किया जाएगा इस सर्विसेज से रेंडर होगा बाय द डोर स्टेप बैंकिंग एजेंट, यहाँ पे डिप्लॉय किए जाएंगे बाय द सिलेक्टेड सर्विस प्रोवाइडर एट 100 सेंटर अक्रॉस द कंट्री। 1619 प्रोजेक्ट क्या है, ये एक स्पेशल इनिशिएटिव है न्यूयॉर्क टाइम मैगजीन का, यहाँ पे लॉन्च किया है 2019 में। मार्क द कम्प्लीशन ऑफ द 400 ईयर्स सिंस द फर्स्ट ईस्ट लेवड अफ्रीकन जो है अराइव्ड आए थे कॉलोनियल वर्जीनिया जेम्स टाउन इन ऑगस्ट 1619 को, यहाँ पे 1619 को। सो उसके बाद में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा परेश रावल अभी मतलब जो एक्टर है फॉर्मल BJP MP है, यहाँ पे अपॉइंट किए गए चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सोसाइटी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द रामनाथ कोविंद। सेटअप किया गया है, इसे किया जाता है बाय द संगीत नाटक जो एकेडमी है एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट इन 1975 में इसे एक इंडिपेंडेंट एंटिटी और रजिस्टर्ड किया गया एज एटोनमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो 21 ऑफ द 1960 का जो है। फुल्ली फाइनेंस किया जाता है बाय द मिनिस्टर ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। भारत रंग महोत्सव नेशनल थिएटर फेस्टिवल एस्टेब्लिश किया गया था 1999 में, इज़ द एनुअल थिएटर फेस्टिवल है ऑफ द स्कूल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हेल्ड इन न्यू दिल्ली में होता है। ये एक्नोलेज किया जाता है एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल ऑफ एशिया, एशिया का सबसे लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल है, डेडिकेट किया जाता है सोलली टू द थिएटर। और टाइफून हाइशान अभी न्यूज़ में था, ये जापान में आया था बाय दिस टाइफून, और ये कैटेगराइज किया गया फोर स्ट्रॉम, जहाँ पे हाउसेस कैन सफर सीवियर डैमेज एंड होते हैं लॉस होता है मोस्ट ऑफ द रूफ स्ट्रक्चर एंड एक्सटीरियर वॉल्स को। हाइशान मतलब ये नाम रिकमेंड किया गया था चाइना द्वारा, मीन्स सी गॉड इन चाइनीज हाइशान। सो ध्यान में रखना, जापान में आया था टाइफून।
हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? सितंबर 14 को। ऑब्जेक्टिव क्या है? सेलिब्रेशन करना हिंदी लैंग्वेज एंड इट्स कल्चरल हेरिटेज एंड वैल्यूज अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री एंड एब्रॉड। राजभाषा अवार्ड यहाँ पे दिया जाता है एज अ पार्ट ऑफ द हिंदी दिवस सेलिब्रेशन एवरी ईयर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रेजेंट किया जाता है राजभाषा अवार्ड टू द पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड द लैंग्वेज एंड व्हाई डू वी सेलिब्रेट द नेशनल हिंदी लैंग्वेज। कॉन्स्टिट्यूट में असेंबली किया था, असेंबली में इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया में एडॉप्ट किया था हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री ऑन सितंबर 14, 1949 को अंडर द आर्टिकल T43। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखना। जीरो आवर एक इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है, ये मेंशन नहीं किया गया है पार्लियामेंट्री रूल बुक में। अंडर इसके तहत एमपी क्या करते हैं, रेस करते हैं मैटर विदाउट एनी प्रायर नोटिस, और यहाँ पे स्टार्ट किया जाता है इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर। जो क्वेश्चन आवर होता है, मतलब जो मीटिंग्स होती हैं पार्लियामेंट की, फर्स्ट जो आवर होता है उसको क्वेश्चन आवर बोलते हैं एंड लास्ट अंटिल द एजेंडा ऑफ द डे रेगुलर बिजनेस ऑफ द हाउस इज टेकन अप। उनके बीच में ये जीरो आवर होता है। सो इसके बाद में यहाँ पे नियोगल जड्स जॉर्डन ग्लेशियर, ये कभी मैं पढ़ नहीं सकता अपनी ज़िंदगी में, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, एंड आप अपने हिसाब से इसे पढ़ लीजिए। और यहाँ पे लोकेट किया गया नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड में, आर्कटिक लार्जेस्ट आइस शेल्फ है। अभी न्यूज़ में था क्योंकि इसका लार्जेस्ट जो पीस है ब्रोक हुआ यहाँ पे बिकॉज ऑफ द वार्मर टेम्परेचर इन द ग्रीनलैंड। सो ये ग्रीनलैंड में है, इतना बड़ा नाम अगर आ जाएगा सो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉस्पाइन क्या है, ये एक फ्लेमेबल गैस है ऑन द अर्थ, और यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है ऑर्गेनिक मैटर में। अर्थ यहाँ पे जो गैस है एसोसिएट विद लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये किससे बनता है, लाइफ वेदर ह्यूमन और माइक्रोब से, मतलब ये बनता है। और जो केमिकल वेपन है था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1, फॉस्पाइन इज द स्टील मैन्युफैक्चर एज द एग्रीकल्चर फ्यूमिजेंट्स, और यूज़ किया जाता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, नेस्टी बाय प्रोडक्ट एंड मिथ लैब में। सो ये अभी फॉस्पाइन मतलब अभी न्यूज़ में था, सो ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ ऑन वीनस पे अभी पाया गया है फॉस्पाइन गैस। उसके बाद में हरियाणा ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ये कैबिनेट ने अप्रूव किया है। पलवल टू सोनीपत, सोहना मानेसर से खारखोदा, टोटल लेंथ है 121.7 किलोमीटर। ये इंप्लीमेंट किया जाएगा हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड HRIDCL द्वारा। सो ये देख लेना, स्टेट की वजह से ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। खराई कैमल, ये अभी न्यूज़ में था क्योंकि एक स्विमिंग कैमल है ऊंट जो है गुजरात में पाया जाता है, ओनली गुजरात के भुज एरिया में पाया जाता है। इसे रिकॉग्नाइज किया गया, सेपरेट ब्रीड है ये केमल की, और ये बेटर कंजर्वेशन किया जा रहा है इसका। और ये जो केमल है यहाँ पे अडॉप्ट करता है एक्सट्रीम क्लाइमेट ऑफ द रन ऑफ द कच्छ, शैलो सीज एंड हाई सैलिनिटी प्रेजेंट, और ये बहुत मतलब यहाँ पे कोस्टल एंड ड्राई इकोसिस्टम में यहाँ पे ये रहते हैं और ग्रेज करते हैं सलाइन जो मैनग्रोव ट्री होते हैं टॉलरेंट टू द हाई सलाइन वाटर, और स्विम करते मतलब तैर के जाते हैं 3 किलोमीटर इनटू द सी इन सर्च ऑफ द मैनग्रोव एंड देयर प्राइमरी फूड। सब मैप में देख सकते हो कैसे तैर रहे हैं ऊंट, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा क्योंकि रेगिस्तान का मतलब जहाज मानते हैं इनको, बोलते हैं केमल को, पानी में भी जाते हैं। इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर ऑन सितंबर 15 को, ट्रिब्यूट टू द ग्रेटेस्ट इंजीनियर्स, भारत रत्न जो सर मोक्ष गुंडाम विश्वेश्वराय, एम विश्वेश्वराय जिन्हें बोलते हैं, उनके बर्थडे पर यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। और चीफ इंजीनियर थे रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कृष्णा राजा सागरा डैम जो मैसूर में है, और यहाँ पर इनको नाइट कमांडर ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर मतलब जो किंग जॉर्ज द्वारा यहाँ पे इनके कंट्रीब्यूशन को मतलब यहाँ पे जो पब्लिक के मतलब भलाई के लिए किया था तो इनको मतलब ये नवाजा गया था नाइट कमांडर ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर। उसके बाद में कोसी रेल महासेतु, ये इनॉग्रेट किया गया बिहार में, सेंक्शन किया गया बाय द सेंटर ड्यूरिंग द 2003। कनेक्ट किया गया निर्मली एंड सरायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, प्रोवाइड किया गया शॉर्टर रूट टू द नॉर्थ ईस्ट। इस ब्रिज का इंपॉर्टेंस क्या है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, अलॉन्ग द इंडिया नेपाल बॉर्डर को कनेक्ट करता है।
और ये इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा बिल 2020 से रिलेटेड यहाँ पे भी लोकसभा में पास किया गया, बहुत लोकसभा में राज्यसभा में यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया स्टेट ऑफ द आर्ट आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन, जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा ITRA जामनगर गुजरात। और यहाँ पे स्टेटस दिया गया इंस्टीट्यूट ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस का, इसे ITRA एक फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है विथ INI स्टेटस इन आयुष सेक्टर, एस्टेब्लिश किया गया बाय द कंग्लोमरेटिंग द प्रेजेंटली एग्जिस्टिंग आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट एट द गुजरात आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी कैंपस जामनगर। सो ये भी ध्यान में रखना। न्यूक्लियर पावर जनरेशन इन इंडिया, अभी 2 पब्लिक सेक्टर कंपनीज को यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड जो भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड है यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया इन न्यूक्लियर पावर जनरेशन केस में। और यहाँ पे नो प्रपोजल है अंडर द कंसिडरेशन एट प्रेजेंट टू परमिट द नॉन गवर्नमेंट सेक्टर इन द एरिया ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन। और यहाँ पे प्रेजेंटली 22 रिएक्टर्स हैं विद द कैपेसिटी ऑफ 6780 मेगावाट इन ऑपरेशन इन द कंट्री। FDI इन एटॉमिक एनर्जी अभी लिस्ट किया गया ऑफ प्रोहिबिटेड सेक्टर एटॉमिक एनर्जी की जो लिस्ट है। और यहाँ पे नो रिस्ट्रिक्शन रखा है FDI इन द न्यूक्लियर इंडस्ट्री फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द इक्विपमेंट एंड प्रोवाइडिंग अदर सप्लाइज ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड रिलेटेड फैसिलिटीज। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 का अमेंड हुआ था यहाँ पे 2015 में, एनेबल करता है लाइसेंसिंग ऑफ द NPCIL जॉइंट वेंचर सेटिंग अप ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। कलिंगा फ्रॉग, ये वेस्टर्न घाट का अभी न्यूज़ में था कलिंगा फ्रॉग, मॉर्फोलॉजिकल फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिस्कवरी है मॉर्फोलॉजिकल फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी MPP। और ये एबिलिटी है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू शो ड्रास्टिक मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस इन रिस्पॉन्स ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट और स्टिमुली। कलिंगा फ्रॉग एक डॉक्यूमेंटेशन हुआ था 2018 में, रिपोर्ट किया गया था वेस्टर्न घाट में। और कलिंगा फ्रॉग ये ईस्टर्न घाट का है कलिंगा फ्रॉग, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि एंडेमिक था हिल रीजन्स ऑफ द ईस्टर्न घाट, बट नाउ इस रिसर्च को भी पाया गया है ये वेस्टर्न घाट में भी पाया जाता है। सो ध्यान में रखना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईस्टर्न घाट में पाया जाता है। टाइडल डिस्रप्शन इवेंट TDE, ये अभी स्टडी हुई है ब्लैक होल की, मतलब जिसे वॉच कर रहे हैं फॉर देयर इफेक्ट्स जो हो रहे हैं ऑन नियर बाय स्टार्स एंड गैसेस, सॉरी स्टार्स यहाँ पे डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं व्हेन द ब्लैक होल्स टाइडल ग्रेविटी जो एक्सीड हो रही है जो स्टार, यहाँ पे सेल्फ ग्रेविटी होती है स्टार को, दिस फिनोमिनन इस को क्या बोलते हैं टाइडल डिस्टर्ब्शन इवेंट TDE बोलते हैं। और ये इवेंट है क्रूशियल है, यूजफुल फिनोमिनन है टू डिटेक्ट करने के लिए एंड प्रिडिक्ट करेगा मास ऑफ द सुपर मासिव ब्लैक होल्स इन द क्विसेंट गैलेक्सी। उसके बाद में वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे सेप्टेम्बर 17 अभी इनिशिएट किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ऑब्जर्व किया गया है, फर्स्ट ऑब्जर्व किया था 2019 में। अभी यहाँ पे इट कॉल्स फॉर द ग्लोबल सोलिडरिटी एंड कंसर्ट एक्शन बाय द ऑल कंट्रीज एंड इंटरनेशनल पार्टनर्स टू इम्प्रूव द पेशेंट सेफ्टी। 2020 का थीम क्या है, हेल्दी वर्कर सेफ्टी एंड प्रायोरिटी फॉर द पेशेंट सेफ्टी। स्लोथ बियर एंड नंदकनन जूलॉजिकल पार्क अभी न्यूज़ में था क्योंकि ISIN स्टेटस क्या है स्लोथ बियर का, वल्नरेबल है। और यहाँ पे बैक टू बैक डेथ हो रही है स्लोथ बियर की, लोकेशन दिया है इस पार्क का भुवनेश्वर ओडिशा में, नंदकनन जूलॉजिकल पार्क ये कहाँ पे भुवनेश्वर ओडिशा में है। और ये एडजेसेंट है चंदका डांपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। यूनिकनेस क्या है, जो कि ये ओनली जूलॉजिकल पार्क है इंडिया का टू बिकम द इंस्टीट्यूशनल मेंबर ऑफ द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ द जू एंड एक्वेरियम वाजा। और यहाँ पे होस्ट है जू है फॉर द वाइट टाइगर, वाइट टाइगर यहाँ पे बॉर्न हुए थे नॉर्मल कलर पेरेंट इन द ईयर 1980 को, फर्स्ट कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर है फॉर द एंडेंजर घरियाल्स इन द ईयर 1980। और कंजिया लेक है यहाँ पे वेटलैंड फॉर द नेशनल इंपॉर्टेंस 2006 का, कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है ऑफ इंडियन पेंगोलिन एंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर के लिए, लार्जेस्ट पूल फॉर हाउस है घरियाल एंड हिप्पोपोटामस के लिए, फर्स्ट रिकॉर्ड यहाँ पे है ब्रीडिंग ऑफ द इंडियन रेटेल्स इन कैप्टिविटी 2012 से, ओनली जू है इंडिया का आफ्टर द एक्सप्रेस ट्रेन नंदकनन एक्सप्रेस जो चलाई गई थी नेम बाय द इंडियन रखा गया था बाय इंडियन रेलवेज। एंड उसके बाद में यहाँ पे 3 जूज है इन इंडिया फॉर ब्रीडिंग द लॉन्ग बिल्ड वल्चर, ये इसी में से है नंदकनन जू, फर्स्ट बर्थ
ऑफ द मेलिनिस्टिक टाइगर जो कैप्टिविटी में रखा गया है इन द ईयर 2014 से यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे एयर बबल के बारे में आपको पता होना चाहिए। एयर बबल एक्चुअली क्या होता है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि किसी भी दो कंट्री के बीच में मतलब ट्रैवल को अलाउ करते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, क्योंकि अभी कोविड 19 की वजह से मतलब रिस्ट्रिक्शन लगे थे, है ना। सो अभी न्यूज़ में था क्योंकि इंडिया ने अभी मतलब 10 कंट्री के साथ में एग्रीमेंट किया है, USA, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, UK, मालदीव्स, UAE, कतार, अफगानिस्तान, बहरीन, सितंबर तक, यहाँ पे 13 सितंबर तक, जिसे एयर बबल बोलते हैं, है ना, ट्रैवलिंग वगैरह स्टार्ट की जाती है। सो ये 50 टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस किए और इसके आगे भी हम और 50 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।